गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 4 बिहारी लाल जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इस जीवन परिचय को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बिहारी लाल जी का जन्म हुआ था सन 1603 ईस्वी में। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर। पिता का नाम श्री केशव राय चौबे, गुरु का नाम आचार्य केशव दास। रचनाएं बिहारी सतसई। भाषा शैली ब्रजभाषा मुक्तक शैली। मृत्यु हुई थी 1663 ईस्वी में और ये विशेष रूप से रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि थे। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य की अमर विभूति हैं। इन्होंने अपनी एकमात्र रचना से ही हिंदी साहित्य जगत में अमिट छाप छोड़ दी। बिहारी लाल ने अपनी अद्भुत लेखनी के माध्यम से अपने दोहे में गागर में सागर भर दिया। डॉक्टर ग्रियर्सन बिहारी की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते और वे कहते हैं कि बिहारी लाल उन भारतीयों के लिए चुनौती हैं जो विलायती कविता के रूप में चुनिंदाकार साहित्यकार की ओर से आंखें मूंद लिया करते हैं। अब आता है इनका जीवन परिचय। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि और श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी के आसपास ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था। इन्हें मथुरा के चौबे ब्राह्मण माना जाता था। कई विद्वान इन्हें सप्रमाण आचार्य केशवदास का पुत्र भी मानते थे। कवि कभी बिहारी लाल ने निम्बक संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरिदास से संस्कृत प्राकृत आदि का अध्ययन किया। इन्होंने युवावस्था अपनी ससुराल मथुरा में व्यतीत की। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए थे। इसके बाद जयपुर के नरेश राजा जयसिंह के दरबारी कवि हो गए थे। राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित पत्नी के कारण जब राजकाज से विमुख हो गए, तब कवि बिहारी लाल ने राजा की मोह निद्रा को भंग करने के लिए अग्रलिखित अतिशोक्ति दोहा लिखकर उनके पास भेजा। यह दोहा है, ना ही पराग ना ही मधुर मधु, नहीं ना ही विकास इही काल, अली कली ही सौ बांध्यो आगे कौन हवाला। इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह का मोह भंग हुआ और वे पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए। राजा जयसिंह की प्रेरणा से कवि बिहारी लाल सुंदर सुंदर दोहे की रचना करते थे और पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर इन्हें एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। बाद में पत्नी की मृत्यु से ये श्रृंगारी कवि बिहारी लाल का मन भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गया और सन 1663 ईस्वी में कवि बिहारी लाल जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी कृतियाँ या रचनाएँ। रीतिकालीन प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना कृति बिहारी सतसई है। इसमें 719 दोहे का संकलन ब्रजभाषा में हुआ है। इन दोहे के विषय में प्रचलित है कि सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। हिंदी साहित्य में स्थान। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। इनके लिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि प्रेम के भीतर उन्होंने सब प्रकार की सामग्री, सब प्रकार के वर्णन प्रस्तुत किए हैं, वह भी 719 दोहे में। यह उनकी एक विशेषता है कि नायिका भेद या श्रृंगार का लक्षण ग्रंथ आदि सभी कवियों से श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करने में कवि बिहारी लाल समर्थ हुए हैं। वे साहित्य ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हुए हैं। तो बच्चों, ये हो गया बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।